हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे वैल्यूएटेड स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, वैल्यूएटेड स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, पूरा मैंने उसमें अच्छी तरह समझा कर रखा है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा इसमें है। आज अपन देखेंगे वैल्यूएटेड स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। और चलो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ कि वैल्यू एडेड होता क्या है। वैल्यू एडेड is the difference between total output and the cost of raw materials and other inputs. Okay, value added वो सब चीजें हैं जो एक कमोडिटी को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बीच के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ओके, वैल्यू एडेड में एक्सपेंसेस तो इंक्लूड होते ही होते हैं, साथ में प्रॉफिट भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तभी वो फिनिश गुड की अपन की प्राइस निकाल पाते हैं, है ना। चलिए, सो देयरफॉर वैल्यू एडेड इक्वल्स टू टोटल आउटपुट माइनस, इसको अपन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ऑल दोस एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इनटू फाइनल कमोडिटी इनटू अ फिनिश्ड गुड। ओके, ये अपन इसको बोल सकते हैं, इसका ये छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो कंपनी अपने मेन काम से कमाती है। कंपनी का मेन काम क्या होता है? बाइंग एंड सेल्स। मेन प्रॉफिट किससे कमाती है कंपनी, का मेन काम क्या है किसी भी कंपनी का? सेल्स, बाइंग एंड सेलिंग। तो इनकम कैसे आती है? सेल्स से। तो अपन यहां पे सेल्स लिख देंगे। ये जो इनर कॉलम बनाया है इसको भी बताऊंगा कि अपन ने क्यों बनाया है, है ना। टोटल सेल्स अपन इसमें लिख देंगे। ओके, अब अपन आएगा सेकंड, लेस। अब सेल्स में से जैसे ये सेल्स टोटल आउटपुट सेल्स, इसमें से अपन क्या माइनस कर रहा है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट एट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। सारे खर्चे डाल देंगे जो अपन ने किए हैं इसमें, कौन से? ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ध्यान से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे इसको अपन लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेस। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेस, ये अपन की मेन हेड हो गई। अब इसमें क्या क्या आएंगे, तब हम पहला आइटम माइनस करेंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। अब ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट कैसे, फ्यूल, पावर, वेजेस, ठीक है। ये यहां आएगी, ये माइनस का कॉलम है, जो जो माइनस करना है वो इस साइड लिखेंगे। ओके, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डे टू डे एक्सपेंस, कुछ भी रेंट दे दिया, एनी काइंड ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, ओके, जो भी फर्म में होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये थोड़ा
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जनरली डाउट ये आता है कि अपन इसमें शॉर्ट टर्म क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बोरिंग्स अपन इंक्लूड माइनस कर रहे हैं इसमें से। अब चलिए मैं समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरिंग कैसे आती है? ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग किससे आएगी? या तो शेयर्स से आएगी, शेयर्स इशू किए होंगे, ये लोन लिया होगा, लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा कोई, ये डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू किए होंगे, शेयर होल्डर्स को अपन देते हैं डिविडेंड, ओके, लोन पे देते हैं अपन इंटरेस्ट, और डिबेंचर्स पे भी अपन देते हैं इंटरेस्ट। शेयर को डिविडेंड किस में से देते हैं? प्रॉफिट में से। ये क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये प्रॉफिट नहीं, ये एक्सपेंसेस है अपने व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। देयरफॉर इसमें तो शॉर्ट टर्म आएंगे, तो शेयर तो नहीं आएगा, ओके, लॉन्ग टर्म लोन मोर देन 1 ईयर रही है, और 1 साल से बड़ी एक्सपेंसेस, 1 साल से बड़ी लायबिलिटी वो इसमें शो नहीं होती, क्योंकि ये अपन क्या बना रहे हैं, इसमें अपन को क्या ऑपरेशनल विद इन एन ईयर वाले एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और ये इंटरेस्ट अपन किस पे दे रहे हैं? लॉन्ग टर्म, ये मोर देन 1 ईयर है, तो ये नहीं आएगा। और डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को अपन क्या इंटरेस्ट देते हैं, डिवेंचर्स भी एक तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, देयरफॉर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें सारी शॉर्ट टर्म वाली बोरिंग्स आएगी, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ऐसे। क्लियर हुआ ये? ठीक है, माइनस एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? चलिए, एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वो टैक्स इम्पोज करती है व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अ कमोडिटी। जब कंपनी ए जब भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पर उसी पर बोलती है कि इस पर हम इतना टैक्स लेंगे। ठीक है, जैसे 100 रुपए की कमोडिटी है, 500 का गुड फाइनल गुड बना है, ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड, गवर्नमेंट बोल देगी इसमें से मैं 50 रुपए मुझे चाहिए, 50 रुपए कमोडिटी के चाहिए गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब यही 50 रुपए एक्साइज ड्यूटी में लिखे जाएंगे, क्यों? ये मैन्युफैक्चर होने के टाइम बोल दिया था कि हम आपकी इस कमोडिटी का इतना अमाउंट लेंगे आपसे, और इनडायरेक्टली ये 50 रुपए इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, फाइनल कस्टमर को ही देना है ये टैक्स। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी भी इसमें आ जाएगी, माइनस शॉर्ट टर्म बोल लिखी नहीं गई, अभी लिख देते हैं, ये इसमें से माइनस होगी। ठीक है, ये हमने और एनी अदर काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेशनल लाइक एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी अपन लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका इसको अपन इस टोटल करके यहाँ पे ये अपन इसे माइनस करा देंगे, और जो अमाउंट आएगी इसको बोलेंगे वैल्यू एडेड। किससे हुई है? फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, ये जो भी अमाउंट आएगी इसकी, इसमें सेल्स में इसको माइनस करने के बाद, ये अगर एनी अदर इनकम दी हुई है, अदर इनकम क्या होता है? कंपनी के पास ओल्ड न्यूज़पेपर रखे थे, रद्दी रखी थी, रद्दी बेच दी, इसे इनकम तो हुई, डायरेक्ट इनकम तो नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम नहीं है कि ये रद्दियां बेचे, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, मैगजीन्स बेच दी, तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट इनकम है, अदर इनकम है, तो ये अदर इनकम,
अदर इनकम है वो इस अमाउंट में ऐड हो जाती है। अगर हो तो ऐड कर देना, अगर नहीं हो तो यही वाली अपन की ग्रॉस वैल्यू ऐड हो जाती है। अगर ऐड करोगे तो ये जो नीचे वैल्यू आएगी ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ये क्लियर है आपको, दिख रहा है? ये अपन की जेबी आ गई, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अदर इनकम होगी तो प्लस करनी है, नहीं होगी तो नहीं करनी है। नहीं होगी तो यही अमाउंट अपन का जीवी बन जाएगा। ठीक है, ये अपन का वैल्यूएटेड स्टेटमेंट बन गया है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बनना। सबसे पहला पर्टिकुलर अमाउंट, अंदर दो कॉलम आते हैं। फर्स्ट अपन का मेन हेड है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब सिर्फ अपनी सेल्स ही होती है, डायरेक्ट इनकम की और कोई होती नहीं है। ठीक है, ये सेल्स अपन आउटर कॉलम में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगी एनी काइंड ऑफ अदर डायरेक्ट इनकम करके हेड में दिया हो कि कंपनी की ये डायरेक्ट इनकम और भी है, तो डायरेक्ट इनकम अगर और अगर नाम से दी हुई तो उसमें ऐड हो जाएगी। ओके, इसमें ऐड कर देंगे अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो। ठीक है, और अपन को माइनस क्या करना है, अब इसमें से माइनस करेंगे ये इसकी कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज मेन हेड है। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये मेन हेड है। अब इसके अंदर सब पार्ट्स क्या हैं, सबसे पहला प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट जो भी है लाइक प्रोडक्शन अपन जो पावर लगा होगा, फ्यूल लगा होगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस। ओके, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इन सब पे शॉर्ट टर्म की जो होते हैं वो माइनस हो जाएगी। एक्साइज ड्यूटी माइनस हो जाएगी, टैक्स इम्पोज वेल मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। ओके, एक्साइज ड्यूटी माइनस हो जाएगी, और कोई अगर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर अपन का खर्चा हुआ है तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जो इससे अमाउंट आएगी उसको अपन क्या लिखेंगे, वैल्यू एडेड फ्रॉम, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था तो वैल्यू एडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कोई दिया हुआ कि अदर इनकम है, कोई न्यूज़पेपर बेचा है, कोई ओल्ड मैगजीन्स थी वो बेची है, तो अदर इनकम ऐड करेंगे और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ठीक है, बड़ा ही आसान था, समझ में आया? अगर अदर इनकम नहीं दी हुई है तो यही अपन का जीवी बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये इतना सा है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, आसानी से अपन ने बना दिया। ये अपन ने अभी क्या बनाया है, सिर्फ एक अपन ने इसका फॉर्मेट बनाया है क्या क्या इसमें हेडिंग्स आती है। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे धीरे कठिन, सबसे पहले आसान से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट, फिर कठिन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब अपन ने ये भी बना लिया वैल्यू स्टेटमेंट। अब इससे अपन ने क्या निकाल ली, अपनी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल ली, जो ग्रॉस निकाल ली अपन ने। ठीक है, अब इसमें अपन का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, प्रॉफिट जो है वो इंक्लूडेड है, ये बना ग्रॉस है। अब अपन स्टेटमेंट बनाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अभी तो मैंने वीडियो भी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा मैं आपको, ये जो ग्रॉस वैल्यू अपन की एडेड निकली है इसका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं, ग्रॉस वैल्यू एप्लीकेशन। अपन की नेक्स्ट वीडियो का पार्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा, ग्रॉस वैल्यू एप्लीकेशन, ये इसका थर्ड पार्ट वीडियो का, ग्रॉस वैल्यू एप्लीकेशन। अब जो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिट निकला है अमाउंट, ये अब ये अपन कहाँ किसको बांटेंगे, इसका भी अपन को पूरा स्पेसिफिकेशन दिखाना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट निकली है ग्रॉस वैल्यू एडिट ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, समझ रहे हैं आप? ये नेक्स्ट वीडियो अपन का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।